वालेकुम अस्सलाम। कौन भाई वो? क्या जय अमीर भाई, अच्छे हैं क्या जय? ओहो आओ भाई, शुक्र भाई, अंदर आओ। क्या बहुत रोज के वास्ता रास्ता बिसर को आ गए? रास्ता क्या अभी बिसर को आया नहीं भाई, काम से चाहिए। परसों तुम्हें हमारे घर में आको बोल को फोटो देख गए कहते ना। आयो एक बार रे, दो बार रे, तीन चार बार आको देखा तुम्हें मिले नहीं। कहाँ जी, मंजे फुल बिजी जी, मंजे फुर्सत रहती नहीं की कर बोला तो। मैं एक लाजा घर में रहा तो उन्हें कार दाल लेकर आया, इन्हें स्कूटर ले लेकर आया, तुम्हें यहाँ चलो वहाँ चलो, यहाँ चलो वहाँ चलो, खाली ये छोजा रहा है, एक लाजा की फुर्सत नहीं जी। ओ भाई भाभी बोले परसों आया था, बात कर लग गया। कितने शादियां करूं, कितने शादियां करूं, हिसाब बीच रखने हो रहा नीचे। अमीर भाई रंदे भाई, वैसा चलें दे तुम्हारा बिजनेस। अबे वो सब रंदे, तुम्हें बच्ची के वास्ते अच्छी निस्बत देखो कहे। हो भाई बोलिया, मैं तुम्हारे घर खानदान को जमने के लायक का और एक इज्जतदार परहेजगार एक अच्छे खानदान का शुक्रा हमें बचपन से जानती हूँ उसे। बहुत बड़ी मेहरबानी आपके। ऐसा एक रिश्ता मैं ले कही हूँ। अच्छा भाई, बहुत खुशी की बात हुई है। और वो छोकरा कहाँ है पूछे तुम्हें? कहाँ है जे छोकरा? यहाँ नवे जी है सो। वो आप कहाँ? बाहर है सो जी। छोकरा बाहर का तो घर के बाहर रे। जे बाहर का तो समझ में आया नहीं क्या तुम ना? बाहर का तो किसे? किसे भाई? घर के बाहर है ना उसे नवे। सऊदी में रहता ना उसे, बाहर कंट्री में, बाहर के ममालिक में। सऊदी में है सो छोकरा? सऊदी अरब में है सो जी। जे दरमा के तब पूछेगा जे हमारा बच्चे 15,000 रुपए दरमा। शुक्र दा, ठंडा लेती गरम लेती? क्या लेते इसकी, ले 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 को मैं एक तरफ ठंडा हो गया एक तरफ गरम हो गया, क्या तू बोलो रंदे है। ओ सऊदी का छोकरा क्या जय अमीर भाई? बोलो शुक्र भाई। सऊदी का छोकरा का तो मुंह में पानी छूटता, मुझे मालूम सफरा ज्यादा हो गया रहता है। क्या वो शुक्र भाई, खिस्सा क्या है का तू यहाँ? अब पहले हमें लेन देन की बातचीत यहाँ कर लेना। हो भाई। अब वो छोकरा जो है लेन देन के खिलाफ। लेन देन के खिलाफ मान जे एक पैसे की चीज भी नको। माशाल्लाह क्या छोकरा। उन्हें और उनके बाबा क्या बोलती है तो हमारे बच्चे को हमने क्या भी नको भाई। अच्छा अच्छा, हमने अल्लाह बहुत कुछ दिया है, हमें किसे तो मदद करती लेकिन हमें किसी के पास हाथ नहीं फैलाते। बराबर भाई, करेक्ट बात है। अब उनके घर से एक मशवरा क्या निकले अगर बोला तो? क्या? पहले मैं यहाँ तुम ना सुना ना। सुना ना भाई। मेरा किस्सा कैसा भाई का तो? मैं वन टू का किस्सा। हाँ हाँ, तुम्हारा किस्सा मुझे मालूम नहीं इस क्या। और मेरा काम भी वैसा जे परसेंटेज का हिसाब है, वो मेरा किस्सा बाद में बात कर लेंगे, पहले ये डिमांड्स के बारे में बात कर लेंगे। देखो भाई, छोकरे को क्या भी एक पैसे का देने का नहीं। नहीं भाई। अभी नहीं, तुम्हारी बच्ची को तुम्हें क्या जेवर देना वो दे लेती, मुझे मालूम देती भाई। और कपड़े कितने जोड़े देना वो तुम्हें गरीबी हालत से दे तो भी 50 रुपए एक जोड़ा देती, मुझे मालूम। और दूसरा क्या है भाई का तो? छोकरा बोलने की एक बात क्या का तो? क्या वो शुक्र भाई, हमारे वास्ते तो क्या भी नको ना भाई। नको। अब उनकी बच्ची घर में रहती है, बेजार होता है, एक पिक्चर देखना कर को ख्याल होता है, होता है। अब थिएटर को आना जाना चिपके तकलीफ की वो कर बोल को, घर में बैठ को देखे सर का एक अच्छी वो है ना भाई, सोनी वीडियो कौन कलर टीवी एक दिला दला तो बच्ची आराम से घर में से पिक्चर की न्यूज आंकी देख ले को आराम से रहती है। हमारे बच्ची को पिक्चर देखने की आदत नहीं ना। अच्छा बोले, बच्चे के दिला में अरमाना रहते हैं जी, माँ बाप को बोलते नहीं तो हमें समझ को देना। ओके अच्छा भाई, दिला लेंगे। अब रहा तुम्हें देते जी जय, तुम्हारा बहुत बड़ा मंजे मालूम है। रंदे रंदे शुक्र भाई, दिल दिया है दिलदार को, माल दिया है मुर्दार को, मगर तुमने माल के साथ अल्लाह दिल दिया है मंजे मालूम। नवे जी अब हाई सो रख ले, किसे देती है सो एक बेटी तुम्हारी? हो भाई अब उसे दिए नहीं, तुम्हें किसे देना बोलो? फिर वो हिम्मत की बात करो। अब बच्ची कपड़े खुपुस ले को छाट ले को रहे तो तुम्हारी इज्जत है। अब कपड़े धोना ना भाई। जी इज्जत की बात करो जी, सऊदी का छोकरा सऊदी का जवाई को तो उसके लाख का हमें भी तुलना ना। तुलना तो मैं क्या बोल रही हूँ,
हमारी बच्ची कपड़े धोने का नक्को नक्को, यहाँ वहाँ लैंड्री में ड्राई क्लीनिंग में दाल को पैसे बनने का नक्को नक्को, अब नवा निकले ना अभी बीपीएल वॉशिंग मशीन कर को। बीपीएल वॉशिंग मशीन हाँ, वो एक दिला दल है तो क्या जे, वो धो को आयरन के साथ वापस बाहर आती। हाँ हाँ, अब रहा हाँ, बच्ची हाँ, नीचे बैठी हासिर पर बैठी वो हाँ, हमारी शान की बात नवे, वो हाँ, हमारी हैसियत की बात नवे नहीं। अब वो नवे निकली ना भाई, डबल एक्शन डबल स्प्रिंग सोफे सोफे हाँ, वो कम करते भी एक चार है तो चलता जी। चार क्या बे, उसके जोड़ में पांच जिला लिंग छोड़ो, फिक्र करो नो को की का तो देखो जे, सऊदी से तुम्हारा जवई आको देखते के मान ने हाँ, क्या भाई शादी होने से पहले पूरा एडवांस में आ गया ना, अगर को ना खुश हो जा को हाँ, तुम्हारी उन्हें इतनी इज्जत करता है, इतनी इज्जत करता है हाँ, तुम्हें क्या बोले वो करता है, क्यों बोले हूँ करता है जुने। अंधे शुक्र भाई, तुम्हें बीच में ही क्या, तुम्हें लग गई सो दोस्त ने आज को टूटे नहीं क्या, तुम्हारी बात के ऊपर भरोसा मुझे है। अब रहा हाँ, देखो भाई अब हमें भी सोचना सोचना भाई, अब हमारी बच्ची को जिंदगी भर पालने वाले को हाँ, हमें क्या तू भी एक चीज दिए नहीं तो हाँ, हम ना इंसाफ इज क्या बोलो। शुक्र भाई तुम ना मालूम नहीं सो क्या बोलो हाँ, मुझे है सो एक बच्ची, अब उसे दिया नहीं तो मैं गवलियां को दियो। हाँ ये बात समझ की बात, तुम्हें इतनी अच्छी दोस्ती ले ले का खी, वो भी छोकरा सऊदी का। आओ भाई हाँ, देखो छोकरे को हमें क्या नहीं दिया तू भी हाँ, भारी कभी बोलो, दस दस बारह बारह ग्राम के हाँ, चार अंगूठिया हाँ, एक चैन ने हाँ, एक अच्छी राडो घड़ी हाँ, और बच्ची को कांति भी बेजार हुआ स्टंपो फिरा ने हाँ, एक स्कूटर वत्ता छे। अब रहा धुपकाले के दिना में खास हाँ, कर रहे प्यास की शिद्दत रहती है, रचे रचे पानी पी 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 को क्या हाल होना सो, वो चे एक फ्रिज रहा तो हाँ, ठंडा जूस की शरबत की बना लखो हाँ, पिए जा, वो एक फ्रिज दिलाता ले तो दिलेंगे। शुक्र भाई हाँ, अब रहा जहेज का सामान तो तुम्हें पूरा देती, तुमने क्या मैं बोला सरकार नहीं जय अमीर भाई, बोलो बोलो मेरा फाइनल बोलता पना क्या मालूम, ये जो भी चीजा है हाँ, अब उन्हें छोकरा आता है आंदे भाई। अब मैं तुमना वन टू पूछ रही हूँ हाँ, शादी के पहले एडवांस में भेजती हूँ की हाँ, नहीं तो मस्जिद में हाँ, सुन्नती तरीके से निकाह पड़ा को हाँ, निकाह के बाद पूरा लौट कर को भेजती हूँ की। शुक्र भाई तुम ना मालूम नहीं इसका क्या भी नहीं क्या हाँ, तुम्हें कैसा बोलते हैं वैसा करेंगे। अब तुम्हें मान लेनी क्या भाई, मान लिया भाई, मैं वहाँ क्या बोले वो चेस से, वो तुम्हें यहाँ क्या बोले वो चेस से भाई, क्या भाई हाँ, बात पक्की, पक्की रिश्ता पक्का पक्का, क्या भाई हाँ, पूरे बातें याद है ना, पूरे बातें याद है, फिर भी कहीं को भी अच्छा पेन भी पेपर उठा लेंगे हाँ, क्या क्या चीजें की बातचीत चली पूरा लिख लेंगे हाँ, तो अभी वो तरीके से चले जाएंगे, क्या बोलते हैं। क्या शुक्र भाई तुम्हारे बात के ऊपर मुझे भरोसा नहीं हाँ, वैसा करेंगे। शुक्र भाई हाँ, तुम्हें क्या भी समझते नहीं कहो, एक बात पूछता हूँ तुमने। क्या पूछो भाई, बेजार होना नहीं भाई। अरे रे बेजार कई कुछ होते हैं, क्या हिसाब बोलो। देखो शुक्र भाई हाँ, मेरी बेटी को हाँ, इतना सब दे रू मैं हाँ, 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 आखिर वो सऊदी का छोकरा है ना हाँ, उन्हें अम्मा अम्मा का तो महीने को कितना कमाएंगा। जय जब बोला ना जय, क्या दुनिया से अजब तुम्हें दे रही, दुनिया से ताजुब तुम्हें दे रही, नहीं बात क्या है वो बोलो। अब मेरा हिसाब पूछे नहीं तुम्हें हाँ, अब आजकल का माहौल जो है हर बात को स्क्वायर फिट, स्क्वायर फिट का तो क्या हुआ, तुम एक कारपेंटर के पास जाओ उन्हें भी स्क्वायर फिट कहता है, पेंटर के पास जाओ उन्हें भी स्क्वायर फिट कहता है, एक इंजीनियर के पास जाओ उन्हें भी स्क्वायर फिट कहता है, एक मिस्त्री के पास जाओ उन्हें भी स्क्वायर फिट कहता है। मैं ना समझ गा, समझ गा। ना मेरे पास स्कोर है ना मुझे फिट है, मैं क्या रख लियो परसेंटेज का हिसाब रख लियो, तुम्हें स्कोर रख ली मैं फिट करना हाँ, अच्छा 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 समझ गए। मैं देखो जय 90 आदमी के पास 20 18 ऐसा ले रही हूँ, तुम्हें सभी निशानी के ऊपर मैं उतना नहीं लेता, 15 का हिसाब लगा दिया लो। वत्ताज दे रही, अब तुम्हारा कोसा हिसाब दिया लेंगे क्या। शुक्र भाई मेरे पास छटाफट काम है जे, यूं लगा ना हो चलते रहना समझे। शुक्र भाई बोलो, यत्ता सब देखो हमारी बच्ची को भी देखो हाँ, बोलो यत्ता सब हमें कर रही सो, वो छोकरा सऊदी में है ना हाँ, उसकी कीमत क्या हो पूछ लिया, तू सच लगा हमारे घर में रख लिया जाए। मुंह संभाल को बात करो। नहीं नहीं शुक्र भाई, हमारी बच्ची की एक देखभाली भी होचे हमारे आंख्यांग सामने रहचे।
क्या होशियार की खर्च कर रही है जय, कोसे कंजूस भाई दिखती तुम्हें? नहीं सर, क्या शुक्र भाई। अबे जय, सऊदी का छोकरा का तो उसकी कीमत क्या मालूम तुम ना? क्या? 1 करोड़ रुपए तुम्हारे पास है? बोलो जय। बोलो। क्या बोलो? नहीं है। 1 करोड़ रुपए वहाँ है सौ, वहाँ से आकर फिर गया तो 5 करोड़ उसकी कीमत है। खाली उसकी जो नौकरी जो जगह उन्हें है वो जगह की वो कीमत उसे खरीदेंगे था। कब को खरीदना सो है? नहीं मैं पूछा सो बात को, तुम्हें क्या गुस्सा कर लियो ना? मैं ही कहीं को गुस्सा करूं जी? ऐसे सब बात आती है, देखो छोटा दिमाग नहीं करना। क्या सोचे थे भी, बड़े रकम से सोचना, भारी भरकम के तरीके से सोचना। बराबर। अब जो कुछ भी हमें कर रही उन्हें आंखों देखा तो भी उसके दिल से उन्हें खुश होना। बात देखो जी, अबे हम इतना उन्हें दिए के बाद क्या उन्हें चिपके रहता? नहीं रहता। उन्हें भी लाखा ला रहा है जय, हजारान हवे सवान हवे। मैं क्या कहते बोल रहा हूँ सो, हमारे अंख्यांग सामने जो ही बेटी हस ले को खेल ले को है तो अब हमें भी अम्मा माँ का तो साल जिंगे। सुनो जय, तुम्हें क्या की बोल रही है? इसे रिश्ता नहीं सुन है तुम्हारे पास आया सो? नहीं नहीं, मैं वो बात तुम ना बोलिया नहीं शुक्र भाई। जय, 2 लारी भर को जहेज है और 2 घड़ियाला 8 अंगूठिया सूट बूट अभी क्या क्या की देती है वैसे जगह नक्को कर को मैं तुम्हारे पास क्या वास आया सो? मंजे मालम जे बच्ची हीरा, हीरे को कहाँ रखना उसकी जगह रखे तो हीरे की कदर। बराबर। कचरे में हीरा फिर का लो, हीरा दिखता है? नहीं दिखता। हीरे को एक सफेद कपड़ा बिछा को टेबल पो, अंधेरे में रखो, देखो जी चमकता है। शुक्र भाई, मेरे पास क्या की अल्लाह मुझे धन दिया है, दौलत दिया है, सब कुछ देखो है शुक्र भाई। मुझे नहीं सो घरा में पंप उनकी हालत कैसी गुजरती हैंगा, हमारे घर के बाजू एक घर है वो घर में है। सुनो दुनिया वाले का हम ना नको जे अमीर भाई, हमारी तुम्हारी बात हुई, अब ये रिश्ता पक्का के? पक्का का तो मैं बोलिया सो। क्या बोले सो? वैसा का तो मुझे पक्का। क्या कैसा बोले सुजे? वो भाई छोकरा चाक हमारे यहाँ जान दे, अब भी होना तो एक जरे बड़ाक दिया लेंगे। वही सर है तो रिश्ता होता नहीं। तुम ये सब भूल जाओ। अच्छा भाई। अच्छा भाई नहीं, मंजूर का तो मैं बोले जैसा होता है। छोकरे की कीमत कहता मैं खरीद लेता हूँ, वो नहीं बोलना। अच्छा भाई मंजूर ही भाई। क्या अभी दुनिया से जब नहीं दे रही तुम्हें? दुनिया वाले दे रही। अबे माँ बाप कमाते किसके वास्ते? बच्चा के वास्ते। अब बच्चा कुछ ना दे रही तुम्हें, घर को दे रही? बच्चा कुछ भाई दे रही सो। नवे जी हमारी अंतड़ी निकाल को उसके गले में डाल रही। अंतड़ी दे रही तो ये दौलत कही कुछ क्या मरे दल लग जाती है ऊपर? नहीं नहीं वैसा छोड़ दे शुक्र भाई। चलो नवे। अच्छा खुदा हाफिज। परसेंटेज का याद है ना? एक छोटा एक बात पूछता हूँ। हमारे भाई साहब खुड़ी उनसे मिला तो अब भी चाहे सुनो भी। रे अफजल। क्या भैया? देख बा तू ये परसों बोलिया था नी? क्या ऐसा आती शुक्र दा कर को। अच्छा अच्छा वो बच्ची की निस्बत ले लगा है, पूरा बातचीत हुई है। अब तेरा ख्याल क्या है बा? भाई अब तुम सब बात करी बड़े और बाहर के माहौल भी मालूम है। फिर शुक्र साहब को भी मालूम रहेंगे। मालूम बा उनको मालूम नहीं क्या है बोल ले। माहौल खराब है, जरा सोच समझ को तुम्हें बड़े मैं जो फैसला करती हूँ फैसला को अब हमें भी सुनना। वैसा कम पेशी ही तो शुक्र दा ही ना हम ना बीच में ना। अब तेरा तुझे मंजूरी के? मंजूरी जब तुम्हें मंजूर हो तो मैं मंजूरी। अच्छा शुक्र दा। अच्छा भाई तुम्हें बुला ल कब आती फिर रहे? अब क्या पूरा पक्का चे छोकरा इंशाल्लाह महीने के अंदर आ जा रहा है। अच्छा अच्छा आते के मानने सभी मिल को आको, पहले रसम कर को क्या थी एक निशानी दलाल को। अच्छा आते ही कर डालेंगे, लेट नहीं कर डालेंगे कर डालेंगे। अब रिश्ता पक्का होता है। बच्ची की फोटो क्या तो फेंकी? फोटो बच्ची कुछ देखो नहीं जे, वो पुरानी फोटो बराबर नहीं। जरा अच्छा ड्रेस करा को, अच्छी फोटो पकड़ को मुझे दियो। मैं शुक्र भाई फोटो भेज को छोकरा को मालूम करा को की तो उन्हें खुश हो को जल्दी आता है और शादी हो जाती है। बात का किस्सा दूसरा, क्या बोलते हैं फोटो होना तुम ना कार्बन है हमारे बच्ची के फोटो बल्ला के ही उसमें तुम ना कोसी पसंद आछे के चुनको उठा लग जाओ जे वो पुराने नको जे। मैं बोलिया तरीके से करो जी का तो। अच्छा अच्छा वैसा करेंगे, मैं फोटो पकड़ा बहुत कंजूस दिखती ना जी, पूरे भाई का काम है तुम्हारे पास? नहीं नहीं
नहीं भी नहीं, घी भी नहीं। मैं क्या बोल रही हूँ गौर से सुनो। क्या बच्ची को क्या भाई अच्छे कपड़े पहना को क्या भाई जरा मेकअप करा को अच्छी एक फोटो पकड़ को दिए तो सऊदी में रहने वाला छोकरा पसंद करना नहीं क्या जी जय पकड़ को देंगे भाई। हाँ वो ती बात करो चलो मैं। हाँ अच्छा खुदा हाफिज। शुक्र भाई एक लहाजा। क्या जी वो जाने के टेम्पो एक लहाजा। नहीं हमारे घर वाले भी छोकरे एक फोटो देखना आ गए थे। कौन सी बड़ी बात जे फोटो है यहाँ से। हाँ दे तो दयाल को गए तो पुरानी रहेंगी ना पसंद पड़ते कि नहीं कि एक काम करेंगे बोलो ये फोटो हमें वहाँ को भेजती नहीं पीछे से लेटर में लिख दे लेंगे तेरी एक अच्छी फोटो पकड़ को भेज बाकर को बराबर है। हाँ वैसा करो शुक्र की कहता उन्हें वहाँ क्या काम कर रहा है कितना कमा रहा है उसकी वहाँ क्या हैसियत है तुमने मालूम हुआ था ना एक दो भेजता नहीं जिन्हें सऊदी से भेजा तो 40 की 50 की 100 की भेजता देख लियो अरमान मिटा लियो भरोसा कर लियो यकीन मान लियो बराबर है। शुक्र भाई प्रति क्या तब खा ले जाते बैठो। नहीं जी फुर्सत नहीं हाँ बाजू घर में जाको जरा काम में बात कर लगो। नहीं तो आज मुर्गी का गोश्त पके। नहीं जी मुझे मुर्गे गोश्त खाए टांग सब खुजली। चल तुम्हें जर्रा खा ले जाओ। अच्छा बोले ना तुम्हें। अरे रे इतनी दूर आ गई है अब खाली हाथ गए तो अच्छा होता। खाली नहीं भर्ती हुआ दे साथ मुझे हिसाब को मेरे लिस्ट में नंबर वो के मैं जाकर तू। अच्छा खुदा हाफिज। जरीना जी मैं सऊदी में रहकर बहुत बेजार हो गया था बहुत ये कर रहा था जब तुम्हारी फोटो मेरे पास है। हाँ। मेरे दिल को बहुत तसल्ली हुई और तुम्हारा खूबसूरत चेहरा देखो मैं दिल बहला जाता था। जरीना बहुत अच्छी है क्या जी मेरी सूरत। वाकई तुम्हारी सूरत हाँ। और तुम्हारी तस्वीर में बहुत फर्क है जरीना। मैं भी जी तुम्हारी फोटो देखो जब जब याद कर ले सोती थी। खुदा तुम ना हाँ। वो कहाँ से खूबसूरती भर दिया है वो क्या है अल्लाह को मालूम उसकी कुदरत को मालूम जरीना। तुम्हें बात करते हैं तो तुम्हारे मुंह में से मोतियां झड़े का है जी। तुम्हारा चेहरा देखता रहा तो 14 रात का एक चांद देखे सर का है जरीना। माशाल्लाह वो चीज में एक गाना सुना तुम थोड़ा सुन लो जरीना। सुनाओ जी। चौदहवीं का चांद हो याफ्ताब हो जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो जरीना जी मेरा बात बोलियो। बोलो जरीना तुम्हें भी बहुत लेने का जान जी। जरीना तुम्हारा चेहरा देखता रहा तो मेरा दिल ये बोल रहा है तुम्हारी बाहों में आकर मैं एक 10 लहाजे के बाद से सुकून पा लियो कर रहा है जरीना। ऐसी माया मोहब्बत सदा भर को हम ना ऐसा रखेंगे जी। मरते दम तक के वास्ते दुआ करो जरीना कि हमारी मोहब्बत कभी ना टूटे जी। ऐसा बात कर ले खती की लाइट का सुझाव करती की जरीना। हाँ लाइट का सुझाव कर आती भी तुम्हारी खूबसूरती मेरे ख्याल से दूर नहीं होती और लाइट पड़ जाती भी तुम्हारी खूबसूरती मेरे चेहरे से नहीं जाती। तुम्हें जरीना जरीना कहते हैं तो यहाँ से पसीना निकल रहा है जी। आप करो जरीना। जरीना जी क्या कर रही हैं तुम्हें अंदर। मैं रेडी हो रही हूँ जी। जरा जल्दी रेडी हो जाओ शॉपिंग के वास्ते जाकेंगे। जाएंगे क्या जी। चलो चलो। जरीना जी तुमने क्या पसंद है जी। मुझे क्या जी। बोलो। गेंगुल का तो बड़ी अरमान जी। गेंगुल खाती हूँ जी। ले लो। तुमने क्या जी पसंद है। मुझे भाषा बहुत पसंद। भाषा यहाँ नहीं जी जी। भाषा मुलबागल में एक भाषा है क्या जी। कदरीपुर में एक भाषा है। चिंतामणि में एक भाषा है। तुम ना कौन से भाषा हो ना सो। मैं वो भाषा की नहीं बात कर रहा हूँ सो जरीना। बादशाह। बादशाह मिठाई। अच्छा अच्छा अच्छा। तुमने और क्या पसंद है जरीना। जी मुझे वहाँ लंबे लंबे लटक रही दो वो जी मौजा। वो एक आधा डजन लगा लियो जरीना। मौजा सब रात को खा ले को सोने के टेम्पो खाने की चीज वो ले लियो आधा डजन ने रात को सोने के टेम्पो खा लग सुंगे। तुमना क्या जी पसंद है। मुझे जो पसंद थी वो मैं बोला लियो और तुमना क्या पसंद है देखो जेवरांग क्या थी भना कपड़े क्या थी भना तो ले लियो जी।
जान दे लंबे लंबे जामुन ही दोखो खुदिला आलो जी शीरा भी अच्छा है उसमें खाती हूँ जी खाने के वास्ते पूछ रही हूँ आओ खाओ क्या टेस्ट है जी हाँ ये कौन सा स्वीट टेस्ट आली है ये राजभवन जी आ बड़ा पसंद का है जी हाँ जी जी एक छोटी बात बोलें दे क्या बोलो तुमने क्या भी गुस्सा आता नहीं ना नहीं बोलो देखो जी तुम्हें मेरी शरीक है हयात मैं तुम्हारे साथ गुस्सा कर आता हूँ तुम्हारे मेरे में क्या फ़र्क रहता बोलो जी राजा हिंदुस्तानी अच्छा था ले जी फिल्म को जाना करती हूँ जी देख ले चल जाएंगे चलो देखो चलो तुम्हारे से ज़्यादा क्या भी बड़को नहीं है मुझे चलो जरीना चलो चलो अब्बा कितना अच्छा था जी पिक्चर रे तुम्हें पसंद आया जरीना मुझे बहुत पसंद आया जी चलो जरीना सामने पार्क है जरा आराम करेंगे सर चलो 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 बैठो जी जरीना वो झाड़ के ऊपर देखो दो खूबसूरत परिंदे कितना प्यारा जोड़ा खुदा ताला बनाया उनको जी वो झाड़ पर देखो जी बांध रहे एक बच्चे को जुआ कैसा दिख रही है उसकी अम्मा तुम ना वो देखो कैश में वो खूबसूरत परिंदे देखो कैश में वो हंदे वो देखो कैसा देखो देखो जी सब खुदा की कुदरत हमें क्या भी कर सकते नहीं जरीना बोलो मेरे से क्या थी भी तुमना तकलीफ होती थी तो बोलो जी कौन जी बोले तुमना तुम्हारे से तकलीफ मुझे हो रही है कर को मैं आज तक बोली हूँ क्या तुमना जरीना अचानक ये बात तुमना कैसा जी आगी मुँह में तुम्हारा चेहरा देखता रहा तो तुम ना छोड़ो न को दिल कराएगा जरीना नको घट पकड़ ले बैठ जाओ यहाँ चार आदमी भी क्या आए सुनो सभी जरा जरा दलाल जाती देखो जरीना क्या जी वहाँ एंग्लो इंडियन आ रही सो कौन है एंग्लो इंडियंस वैसा का तो क्या जी अंग्रेजा दोनों अच्छे हो देखो कितने क्या जी नीचे से ऊपर तक लाल होगी ना उनकी खूबसूरती देखो जरीना हाँ तुम्हारी खूबसूरती के सामने उनकी खूबसूरती मुझे क्या भी नहीं दिखी रही जरीना जी 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 उनकी आँखियाँ कहाँ हैं जी आँखियाँ चेहरे के ऊपर ही क्या आप दूसरा नहीं मुझे आईना का लगा ली दूसरा नहीं ओ वैसा नहीं नाक कहाँ है उसके अयो ला जरीना हाँ देखो मैं सऊदी में रहने वाला तुम्हें यहाँ रहने बोल रही तुम्हें यहाँ रहने वाले तुम्हें हर चीज़ का नज़ारा देखती वहाँ औरत को देखना हमारा हराम है जी उसके सिर में बाला ही बाला ही की लट्टा ही की मैं जो सब कही को मैं बोल रहा हूँ उसकी बात मुझे नीचे से ऊपर तक 21 दिस रहा है उन्हें दिस रहा है सो दिसरी है सो दिस रहा है सो जी अंग्रेज जी उन्हें अंग्रेज देखो उनको भी चोटियाँ ही उनके फैशन पर चले गए तो हमारा फैशन क्या भी नहीं उनके सामने जी उन्होंने क्या जी निकरा पहन ली देखो वहाँ का रिवाज वो समझ रही उनको क्या भी शर्म है यानी क्या हमना शर्म है यानी है ये कक निकर का पैंचा निकाल लेत के जी दो दो मुटे चावल भर लगा जा हमारे घर को जी जरीना बोलो जी राशन की क्या भी अल्लाह ताला कमी नहीं कर रहा है दौलत की हमने क्या भी नहीं कमी कर रहा है नहीं बात के तो मैं एक मिसाल बोल रही हूँ तुमने हो जरीना सपोर्ट यार खाती है सपोर्ट है ले लो जान दे टाइम पास के वास्ते लो कितना भी है 1 रुपया अच्छा ले जरीना जो जी खाओ। जी मैं तुम ना खिला चू तुम्हें मंजे खिलाओ जी अल्लाह मोहब्बत ये कायम रखें दे जरीना ये देखो ये पार्क में कुत्ते अल डाले रही सो देखो कुत्तियां की एक बोमड़ी है कुत्ते जिस जगह पर नहीं रहते वो जमीन जमीन नहीं है हो जी अरब में भी है हाँ क्या की दुम्मा नहीं है तकते कुत्तियां को कुछ है अरब में ही इस कुत्ते हाँ दुम कटे वो जी हमारे घर के बाजू वो शर्फू ना पकड़े थे उन्होंने बोले सो जरीना अब हमें देख ले गए थे ना पीछे राजा हिंदुस्तानी उसका पोस्टर भी यहाँ ले रखो पोस्टर क्या छोड़ो जी पिक्चर ही देख ले गए पोस्टर क्या देखते सो देखो उनके खूबसूरत चेहरे देखो उन्हों देखो जरीना एक काम करेंगे बोलो जी चलो घर को जाएंगे चलो हाँ पौने नौ हो रही जाको खा ले गिले को वो मौजा खा लग सोए तक टाइम होता चलो 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 जरीना जरीना की जी क्यों इतने घबरे घबरे हो करी सो कहीं तुम्हें क्यों आओ जी जरीना एक अफसोस की बात है जरीना क्या जी वो तुम ना छोड़ को दिल नहीं चाह रहा मुझे जाने के वास्ते क्या जरीना कहाँ को जा रही तुम्हें जरीना हमारे कफील का एक फौरन एक टेलीग्राम आया जरीना कहाँ से जी सऊदी से आप क्या मुझे आओ कर बोल रहा है जरीना कौन आओ कर को बोल रहा है कफील हमारा कफील शेख जरीना मैं जीजा पर काम करता था वहाँ का ओनर आप क्या जरीना
मंजे ता दिया वहाँ हाथ में, मेरा हाथ में सब कुछ है जरीना, मैं वहाँ का मैनेजर, पूरा चीज़ा मेरे हाथ के अंडरवर दिया जरीना। देखो जरीना, जा तू खाली, मेरा क्या मैनेजमेंट है उसे समझा लको, मेरी नवी शादी हुई बोल समझा लको उसे, फौरन कितना जल्दी होता होता जल्दी आने की कोशिश कर तू जरीना। जी नवे जी, तुम ना बोलने मुँह कैसा उठ रहा है जी। जरीना तुम्हें बोल रही, मेरे दिल से हार निकल रही है जरीना, तुम्हारे सूरत देख को भी मैं कैसा झूंकर बोल को। नवे जी आपको पान जुम्मा गया हो कने वत्ते में तुम्हें जा रही करी इसके जी। तुम ना इतना अफसोस होता है तो मैं कैसा रहना बोलो जरीना, मैं कैसा रहना, मैं कैसा जिंदगी करूँ बोलो जरीना। नवे जी यहाँ से 6000 किलोमीटर मैं दूर जाको मैं कैसा ये करूँ बोलो जरीना, मेरे दिल को गवारा नहीं दे रहा जरीना, मैं तुम ना छोड़ कर जाने के वास्ते क्या करूँ, नौकरी की मजबूरी है जरीना। नवे जी मैं कैसा जी तुम्हारे बिना रहना सो यहाँ, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती जी। देखो जरीना मेरे बिना तुम्हें नहीं रह सकते, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता जरीना, जरा संभालो जरीना, देखो मेरा दिल कितना धड़क रहा है, तुम ना छोड़ को जाने के वास्ते दिल नहीं हो रहा जरीना। जी तुम्हें जरूरी जाना चाहिए जी वहाँ, नहीं तो मेरी नौकरी चले आती है जरीना, जो मैं कमा रहा हूँ किसके वास्ते कमा रहा हूँ जरीना, अवे जी हमारे वास्ते इतना कमा रहा हूँ सर जरीना। क्या तो भी एक लेटर दलाल को आने होता नहीं कर बोल भेज डालो जी। नहीं होता जरीना वहाँ जाकर, मैं समझा को आया तक होता नहीं जरीना, की तो मेरे हाथ में सब कुछ है जरीना, वहाँ सब मेरे हाथ में छह सौ जरीना, मैं दूसरे को खबलाल को निकल का जाता हूँ। क्या है सो तुम्हारे हाथ में? पूरे वर्कर का मैनेजमेंट मैं ले को हूँ जरीना, पूरे का तुम्हें ढोरी वहाँ, क्या करूँ जरीना, मेरे हाथ में सब कुछ है सो, मैं क्या भी कर सकता नहीं जरीना, समझा का जाता हूँ, जरा सबर करो जरीना। सबर भी नहीं, खबर भी नहीं, खाली एक 15 दिन के वास्ते जरीना, मैं गया वहाँ दूसरे के हैंड ओवर कर दाल को पूरा काम, सीधा निकल का जाता हूँ जरीना। जी कैसा जी मैं रहना सो? देखो जरीना अम्मा ही बाबा ही सब ही तुम्हारी देखभाल करने के वास्ते, मंजे वहाँ कौन है जरीना? जी अम्मा ही बाबा ही धन है दौलत है ये सब मुझे क्या भी नको जी, तुम्हें है तो धन भी तुम्हें, दौलत भी तुम्हें, अम्मा भी तुम्हें, बाबा भी तुम्हें जी। खाली 15 दिन के वास्ते सब्र कर लियो जरीना, फौरन गया मैं आया, एक 10 दिन के अंदर आ जाओ जी। 15 दिन होता है, मैं यहाँ से गया था कि टाइम होता जरीना, जा को जाना जाना क्या जी। देखो जरीना मजबूरी क्या करूं बोलो, मेरा दिल देखो जरीना, दिल के ऊपर पत्थर रख लेकर जा रहा हूँ जरीना मैं। आओ जी एक बार गले मिल लेंगे जरीना, मैं क्या करूं जरीना, बहुत मजबूर हूँ जरीना। तुम्हें जाको जब जब खत्म डालते हो जी। खत क्या डालना सर जरीना, फोन कर तुम, फोन में बात करो जरीना। तुम्हें रोज ही ना करना जी फोन, रोज ही ना 10 मिनट को एक एक टाइम फोन कर तुम जरीना। तुम्हें करे लखा मैं जपती रह चुन जी, वैसा करो जरीना। तुम्हें याद से करना, मेरे कपड़े जरा सूटकेस में डाला लो जरीना, टाइम के बराबर करना, वैसा करो जरीना। तुम्हें औकत के ऊपर खाओ पियो, मेरी फिक्र क्या भी करो उनका जरीना, 15 दिन के अंदर मैं फौरन निकल का आता हूँ जरीना। अच्छा जी सबर दे दे अल्लाह जरीना, तुम ना सबर दे दे, क्या करूँ जरीना, अगर नौकरी का माहौल नहीं होता तो मैं यहाँ तुम ना छोड़ कर जाने के वास्ते दिल नहीं होता था जरीना। अच्छा जी क्यों भी जा रही सो जा रही, जरा खुद तो रूम में जाकर रेस्ट लेंगे आप जी। चलो जरीना लो जी। क्या हो जरीना? छोड़ो जी। नहीं जरीना आज की रात मेरे वास्ते एक बेहतरीन रात समझ को मैं गुजारना चाहता हूँ जरीना। क्यों भी जा रही जा रही, 15 रोज में आ जाते हैं, अब बेहतर को वास्ते यहाँ रो रही हैं इसके को। जरीना तुम्हारी याद मुझे बहुत सताती है जरीना, मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ जरीना। आ जाओ जी। जरीना जी कपड़े सब रेडी कर लिए? जी पूरे आयरन करको सूटकेस में पूरे उठा को रखी हूँ जी। चलो जरीना एयरपोर्ट को जाएंगे, सब प्लेन का टाइम हो जी, तो खुद अम्मा ही बात कर लियो जी। चलो माँ तुम्हें भी जरा, अम्मा अम्मा क्या बेटा आप अब भी तू एक महीना सनत से नहीं रहा ना बेटा मेरे सामने, क्या करूँ माँ? मा, रोनो को तुम्हें नौकरी की मजबूरी है माँ, अरे बेटा मेरा दिल गवारा नहीं दे रहा बेटा तुझे, फिर मैं कब देखना है कि मैं क्या है कि बेटा। नहीं माँ क्या उन्होंने बरसात से रहने जा रही क्या माँ, वहाँ 15 रोज में 20 रोज में सब फिर आ जाती ना। अल्लाह तेरे सफर को कामयाब करे ना बेटा। अम्मा अम्मा जरीना से क्या थी गलती हुई तो जरा माफ कर डाल माँ, चिड़चिड़ाने को नहीं बेटा, मैं कहीं कुछ चिड़ो उन्हें क्या, मेरी बच्ची क्या बेटा,
उसमें और मेरे में क्या फर्क बोल रहे, मेरी बच्ची को ये करना, उसे देखभाल करना, जो भी कितना बेटा। क्या की माँ जी, चलो जरीना को तुम्हारा एयरपोर्ट को। अच्छा जरीना, चलो मामी। जा बेटा, अल्लाह तेरा खुदा हाफिज, जा मेरे लाल, फिर वापस आ बेटा, जल्दी आ बेटा, मैं कहते रोज जीने जाऊंगी बेटा, तुम्हारे देखभाल कर लो, अल्लाह तुझे नेकी दे, तेरा सफर कामयाब करे, जा बेटा। मैं क्या करूं, बहुत मजबूर हूँ। तुम्हें अंदर जाओ माँ। चलो चलो जी, चलो जरीना, चलो चलो, एयरपोर्ट का टाइम होगा, प्लेन का वक्त आने का टाइम होगा, चलो जरा। चलो जी। उतरिया सो जरीना, प्लेन उतरी। अब चढ़तीस की हो, अब जाती है, 5 मिनट है जरीना। सबर करो, सबर करो जरा, मैं बैठ जाऊँ, तुम्हारी सीट पकड़ लियो जी। नहीं, अभी यहाँ से जाना जरीना, मैं तेरा अल्लाह तुमना खुदा हाफिज। जरीना जी, अपना ख्याल रखना, वक्त के ऊपर खाना खाना, मेरी फिक्र नहीं करना जरीना जी। मेरा ख्याल हंदे जी, मेरा ख्याल मैं रख ले चू, तुम्हें देखो टाइम के बराबर मुझे वादा करी से याद है ना। अच्छा जरीना, मैं 10-10 मिनट को एक एक टाइम फोन करता हूँ जरीना। अल्लाह खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, जा कर। सलाम वालेकुम चाचा। अरे रे, क्या रे खलील, आओ चाचा चाय पींगे। क्या रे बा, अच्छा करे। कहाँ चाचा, तुम्हारा एड्रेस इतने ही ना चाचा। मेरा एड्रेस एक जगह रहता है, कह रहे क्या मैं पोस्टमैन ने। कहाँ चाचा, बच्चे को कितने दिन हुआ चाचा। मैं फोर हंदे, क्या काम कर रहा है चाचा। मेरे काम आता था, मैं क्या भी दमिश नहीं ना चाचा। की वो क्या, सुबह कमा तो रात को नहीं, रात को कमा तो दिन को नहीं। वो तो सारी दुनिया की हालत वो है, शादी गिरी कर लिया करे। नहीं चाचा, तुम्हें परसों बोला ना चाचा, मैं निस्बत लगाओ चीचा कर को। निस्बत लगाना का तो सुखा घास डाला तो जलता नहीं रे। क्या तू भी नौकरी में रहना, नहीं तो बाप दादा की आस्ती रहना। सही बात चीचा। आजकल ले सऊदी का शोहर का तो इज्जत हो चीचा। अब तू देखे तो हमारा बच्चा हूँ चीचा। तुझे क्या तू भी झूठ सच बोल को शादी कराना। अब यहाँ देखे तो ऐसा एक टेंशन है, क्या करना वो सोच रही हूँ। तुम्हें कैसा करते हैं करो चीचा, तुम्हें कैसा बोला सुन तो चीचा मैं। अच्छा एक काम कर रहे हैं। बोलो चीचा। तू अर्जेंट के वास्ते 5,000 रुपए ले लगा जा। चीचा मेरे पास कहाँ सा कहा है चीचा। कहाँ तो भी अड़स पड़ोस में ले लगा, तेरे वास्ते एक अच्छा आइडिया बोलता हूँ, गौर से सुन। बोलो चीचा। मैं कैसा बोलता हूँ वैसा सुन। वैसा करो चीचा। तू 5,000 रुपए ला को दिया तो 1,000 रुपया में मैं नकली पासपोर्ट बना को और तुझे एक इलेक्ट्रिशियन की सर्टिफिकेट दिला को, उसके बाद दे तुझे सऊदी को भेजे सर का। मैं वहाँ झूठ बोल को अच्छा लेन देन की जगह तुझे तेरी शादी करा तू। मैं सऊदी भेज रही तुम्हें। अरे सऊदी तू गया तो जा, मैं तो यहाँ छो कौन नको कहे तुझे, मगर वहाँ पूछे तो मैं सऊदी जा रही हूँ कना। कब जा रही कर को उन्होंने पूछे तो शादी हुए सो 3 महीने के बाद कना। बोल दूं चीचा। नहीं तो देते नहीं छोकरी को। हाँ सही बात चीचा। क्या भाई, अब सऊदी जाने वाला छोकरा भी कैसा रहना बोल तू। हाँ कैसा रहना चीचा। ये हालत तो आया तो 1 रुपया भी देते नहीं, तेरी बात सच मानते नहीं। उसके हाथ से भी जरा मेकअप करना बा, आजकल क्या है बोला तो हाफ सूट एम्प्टी पैकेट करती ना, ऑफिशियल तरीके से रहना। रहना चीचा। कटिंग वैसी रहना और कपड़े भी कड़क रहना, जरा पाक साफ रहना कपड़े। हाँ और उसके बाद हैंडसम रहना। तेरे पास नहीं तो दोस्त आशने के घड़ा ला ले को डाल ले, एक दो अंगूठिया बोला उस चिल्लर का माँ। नहीं वो मंगला तुम चीचा। मेरे चैनक घड़ा ले अंगूठी वो अल्ट्रेशन कर ले। मंग लेंगे, भाड़े के सूटा मिलती है तो वो पहन लेंगे। पहन ले, मैं पूरा अल्ट्रेशन करा तू, तेरी शादी करा तू। करे बोलो चीचा। तू आराम से पूरा सनत कर ले।
सऊदी मैं जा रही हूँ कर बोल दाल को तू क्या करना बोलो है सो नहीं सो पूरा जेवर कर ले आराम से बेच ले भंडवाल होता है चिपके बम्बई जाए ग्राउंड मार ले सऊदी में शेख मंजर बुलाला जा को काम दिया नहीं काम नहीं कर वापस भेजा लेकर डू मार डाल ले आके वोच कासा में क्या तो व्यापार सापार कर ले मसला हल हो जाता है जब कुत में शादी करते सो उनके पास जोड़े को पैसे ले को देती उसका माल पूरा भेज डाल को में चले ना सो अब क्या करता है दूसरा रास्ता अच्छी छोकरी मिलती है अच्छा लेन देन मिलता अच्छा मौका मिलता अच्छा भंडवाल मिलता अब इन्हें कहा रहना सो इन्हें उसके घर में रहते बा जब कोई बंदोबस्त में करती चीचा अबे तुझे तो भी है अम्मा बाबा कौन भी नहीं नहीं चीचा कोसी की रिश्ते की भान है लावारी चीचा मुझे कौन नहीं अंदर 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 अबे तेरी वो दूर की रिश्ते की भान है नहीं क्या भाई उसे बीच में बड़ी बना को खड़ा लेंगे करो अब तू गया तू भी छोड़ को तेरी वो भान उसकी देखभाल ही कर लेते कर लेते वो तो क्या फिकर करना को मैं तुझे सुधारने के पूरी पूरी कोशिश में ये आइडिया बनी हूँ चीचा तुम्हें जो मंजेपुर था 20% के हिसाब पे तू डालना क्या 20% चीचा अरे रे वो अच्छे तुझे भी अलादा समझा बोलना रुपए को 20 पैसे रे रुपए को 20 पैसे वो हिसाब से मैं वो काट ले तुले हिसाब डाल को तू क्या फिकर करने करे मैं वहां उनको जा क्या बोलना क्या भड़कना क्या भड़क सुनना वो पूरा मैं कर लेता हूँ आजकल क्या है सऊदी को जा रहा है सऊदी से आ रहा है कतो क्या पूछे हो देती रे कितना पूछे होता देती देखा कितना ग्रेड है वो छान छोकरा परहेजगार है समझदार है अच्छे आदत अतवार में है कतो भी यकीन नहीं मानते सऊदी का छोकरा कतो उन्हें कैसा तू भी रहने सऊदी को जान दे तू भी नक्को तू भी यहाँ रहने तू भी नक्को तू भी बच्ची की देखभाल होने दे तू भी नक्को तू भी सऊदी का जमई कदाल तो क्या की इनके सिर के ऊपर एक बहुत बड़ा ताज रखे सरका चिचा मैं बॉम्बे को चले आगो हूँ चले आगो चिचा नहीं वो जाने के बाद दूर रख रहे जा को क्या रह करता हूँ अबे मेरे दोस्त आज ने क्या बोल को गए यहाँ से क्या बोले चिचा मेरा इंजीनियर पोस्ट है मैं ऐसा करने वैसा करने जा रही हूँ बागर को बोल को गए बोल को गए बाद में आको क्या बोले मंजे क्या रहे कहता तारे का मैं इंजीनियर पोस्ट में अगर पूछे तो बचे इंजीनियर का काम दिलाते अगर को बुला लग गए वहां जाको एक आदमी को खबरान खोदने एक आदमी को बकरे चराने एक आदमी को झाड़ चढ़ को खजूरान तोड़ने ऐसे काम दिए भाई क्या वो काम यहाँ नहीं क्या अगर को उन्हें बोले सऊदी में मुरे उसके वास्ते वहाँ करते क्या की छाटते क्या की ओ, सही बात उनका बाका उनको मालूम रहता है आदमियों को भरोसा दिलाने के वास्ते क्या करती मालूम है क्या करती चीचा बड़े बड़े मिल्ला के पास खड़ गया सोचे ये लंबे फोटो वहाँ पकड़ को देख भेज डालती ओ घर में देख भेजते फोटो वो फोटो रख लग अम्मा बाबा क्या करती मेरा बच्चा सही भी ये काम कर रहा है अगर बोल को यकीन दिला को हारी जगह शादियां कर को अच्छा रोल कॉल काट ले को ये काम करती वो काम करती ना उन्हों ये तुम्हारे सर के चिचाया को बोलती ना तुम्हें समझा सकती नहीं उनको हम ना क्या रे मालूम हमें वो सब देख लग बैठती है मेरा धंधा ये क्या कहाँ के हताशो घर कोसे के घर को ले जाको मिलाती मिलाती यहाँ का घर वहाँ मिलता वहाँ का घर यहाँ मिलता मिलाना हमारा काम वो क्या असल की क्या नफा की क्या धोखा की ना सब कई को बोलो चाहिए क्या कि तुम्हें 20% कहना कई का 20% चीचा रे वाह सबका ने 25 ले रही हूँ तू हमारा बच्चा मेरे पास की ज्यादा लेना मैं 20% का हिसाब ले लेता हूँ मुझे खांसी शुरू हो गई ऐसे वैसे बीड़िया पी पी को क्या करना समझ मारा नहीं मैं बोले उसे याद है ना याद है चीचा याद है तू 5,000 रुपए चाहे फाइनेंस में ले चाहे क्या तू भी चीज गिरवी रखो ले नहीं तो तेरी वो भान को बोलता हूँ तेरा इतना बड़ा काम हो रहा है तो क्या तेरी भान नहीं देंगे फिर भी मैं रिश्ते चिचा उन्हें दूर की रिश्ते की रे महिंद्री सगी वो सब नहीं बोलना रिश्ता तो है कि भान का रिश्ता है चिचा अब तुझे सऊदी जाने के अरमान है क्या भाई है चिचा जा भाई सऊदी को भेज रही हूँ तुझे मगर ये भंडवाल तेरी शादी तेरा भंडवाल तेरी शादी तुझे सऊदी तेरी शादी तेरी पूरी अरमान चिचा ये काम करो चिचा तुम्हें बोल बा मैं आशना के पास से अंगूठा मंग लेता हूँ मंगले घड़ियाल मंग लेता हूँ गले को चेन मंग लेता हूँ घड़े का सूट ले लेता हूँ मगर तुम्हें मुझे 5,000 रुपए जो पूछे वो पैसे तुम्हें जो भंडवाल डाल को वो देती ना पैसे उसमें पकड़ ले चिचा तुम्हें जानते बहुत होशियार है रे तू रे अब तुम ना तो मालूम है ना चिचा मैं सुबह खा तो शाम को नहीं ना चिचा रोज को 20 रुपए में कमा रही हूँ कैसा जीना से बोलो चिचा खैर जा एक का जीना खड़ाने के वास्ते झूठ बोलना ये हमारा काम देखो चिचा मेरा शर्ट देखो चिचा
अब बोलिया बोलिया सबान से तू भाड़े के 4-5 जोड़े कपड़े रेडी रखे रहो और दूसरी बात क्या मालूम रोज में 2 या 3 जोड़े बदलाते रहना रोज को। हाँ खाली है निकालना वो पेन, वो निकालिया पेन ये उनके सामने दिखाते रहना। हाँ, 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 हाँ। मैं जा को पूरा घट कर लेता हूँ, पूरा जाक फिटिंग कर लगा को तुझे बोलता हूँ। तुम्हें क्या काम करे पूछे तुम्हें क्या बोलना उनको। इलेक्ट्रिशियन भाई सऊदी का जॉब है, सऊदी जाना कर को। हाँ शादी हो रही है, शादी हुई 3 महीने के बाद निकल रही हूँ। बोल सही बात चीचा। अब क्या है मैं बोलूँ वो रे चीचा, तुम्हें कैसा करते ऐसा करो चीचा। जा बेफिक्र हो, मैं कब आ को बुलाता हूँ जब रेडी रहो। चलो मैं जाको चीचा, खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम असगर भाई। वालेकुम सलाम। क्या भाई खैरियत है? सब अल्लाह का फजल है, शुक्र भाई। तुम्हारे वास्ते एक अच्छी खुशखबरी ले गई हूँ, बच्ची के वास्ते बहुत अच्छा रिश्ता ले गई हूँ। जय असगर भाई। शुक्र भाई। हाँ मेरी बच्ची के वास्ते। हाँ जी। तुम ना भी एक बेटी। हाँ उन्हें भी वंटी। हाँ उसे भी अम्मा बाबा नहीं, शुक्र को नहीं। हाँ बहुत अच्छी आदत का। और छोकरा जो है शादी हुई से 5 महीने को सऊदी जाने वाला है और सऊदी से जॉब भी आख है उसका। अच्छा अच्छा कमाने वाला, अच्छी अखलाक का। क्या काम करता है शुक्र भाई? इलेक्ट्रिशियन जी, सऊदी जा रहा है। सऊदी जा रहा है क्या भाई? अब दूसरी बात क्या है कतो, ये एक छोटी बात है। छोकरा क्या बोलता है कतो, शादी बिल्कुल सादी होना, फजूल खर्चे इसराफी खर्चे नहीं होना, सिर्फ मस्जिद में निकाह। जो कुछ भी तुम्हें दे रही किसी को दिखा को देने की जरूरत नहीं, जो कुछ भी देना वो दे लो, सिर्फ निकाह जो है मस्जिद में सादा निकाह पड़ा को दे डालो। ये 5 महीने हंसे खुशी से यहाँ रंदे, बेटी भी जमे, बाद में सऊदी जाको जमे, अच्छा से अच्छा कमाला का को तुम्हारी बच्ची की जिंदगी सवार था। क्या बोलती? देखो शुक्र भाई, हर चीज के ऊपर तुम्हारे ऊपर एतबार है मुझे। हाँ समझ रही है जी। कमो बेशी हुई तो भी तुम्हें जिम्मेदार, हंसे खुशी रहती तुम्हें जिम्मेदार। मैं वो छोकरी के माँ बाप कर को समझ रहा हूँ, तुम्हें वो छोकरी के बाप समझ को तुम ना तुम्हारी। वो तो है, छोड़ो जी, ऐसे कितने शादियां करया नहीं रहूंगा मैं। वो जानता हूँ शुक्र भाई तुम्हारी आदत को, उसके आदत ना हमें, तुम्हारी आदत ऐसी वैसी रहती घर के अंदर तुम ना खत्म कर रखने देते थे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई तुम्हारा। अच्छा मैं ये पक्का ना वैसा करो। हाँ अब छोकरे की ये क्या हो रही है सर बातचीत, क्या भी फजूल खर्चा नहीं करना, पूरे पैसा बचा को छोकरे को देना। हाँ। देखो शुक्र भाई बच्चे क्या वास्ते देना मालूम है? हाँ, सुनो जी, सुनो। हाँ। उन्हें क्या करता है क्या खाता सुनवे मालूम? बोलो क्या भी पीता सो पहनता सो खेलता सुनवे जी? हाँ। चीज को चीज बचा को बना को तुम्हारी बच्ची के वास्ते एक आधार बनाता है। एक पॉलिसी कते, एक साइडा कते, ऐसे चीजा लेको छोड़ता है जी, फुजूल करने वाला नहीं है उन्हें। ठंडे जिए तो बस शुक्र भाई। वो छोकरे कने ना बीड़ी काड़ी की आदत है ना चाह की आदत है। अब देखो वो छोकरा कैसा अखलाक का रहना जरा सोचो जे। मालूम हो रहा है शुक्र भाई। देखो अच्छा छोकरा मिलिया का तो क्या भाई, देर नहीं करना। वैसा करो शुक्र भाई, तुम्हारी बात को कब्जे में आड़ लियो क्या भाई? हाँ। अब बातचीत होगी ना? होगी। जो कुछ भी तुम्हें दे रही। हाँ। पूरे तो ना 5 महीने के बाद जा रहा है। हाँ। अच्छा शादी ये महीने में रख लेंगे क्या भाई? हाँ। ये महीना बहुत अच्छा महीना। हाँ, 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 हाँ। तुम्हें पूरा इंतजाम कर लिया, छोकरे देखना का तो। हाँ। मैं बुला ला कहता हूँ। हाँ। नहीं तुम्हें मेरा साथ आओ, पहले ऐसा देख लेंगे। हाँ। बाद में छोकरे बुला कर देख लेंगे, बराबर है? क्यों जय शुक्र भाई, क्या शुक्र भाई, क्यों जी छोकरा? हीरे में तो जरा आई भरेगा, छोकरे में क्या भी आई नहीं है। तुमने पसंद है क्या भाई? मंजे पसंद भाई, कांति भी बच्ची और इन्हें खुश है तो बस मंजे। बहुत अच्छी आदत का दूसरा मंजे सूरत। तुम्हें भी अल्लाह से दुआ करो, हर दो को भी अल्लाह खुश रखे। अल्लाह से दुआ है बस। मस्तू जी, मस्तू जी आओ जी। क्या बोलो जी? आओ जरा, काम है तुम्हारे से। क्या बोलो? सामने आओ जी, मुझे शर्म आती है जी। अरे तुम्हारे मेरे अलावा कौन है जी घर के अंदर? शर्म आ रही है क्या? शादियों को 15 दिन हुआ शर्म आ रही फिर भी तुम्हें? क्या की जी मुझे शर्म? अलो जरा पकड़ो ये। क्या जी वो? पकड़ो जी पहले। क्या बोलो जी, पकड़ो को तो मुझे डर हो रहा है। पकड़ को खोल को देखो जी। हाँ खोलो, पकड़ को खोल को देखना सर। हो जी। क्या जी भाई साहब? ये पासपोर्ट देखो। क्या जी इसमें तुम्हारी फोटो है? आज तक तुम नाम की बोलो दिखाए नहीं सो की वो मेरी शादी के बाद तुम ना दिखाना कर को। क्या जी? ये पासपोर्ट है। मैं क्या की कर को थी ना जी? देखो जी। हाँ सऊदी से। हाँ जी मस्तू। हाँ बोलो।
सर पास जो होती है। बोला जी ये पासपोर्ट देखे की? देखी। ये देखो ये क्या जी? ये वीजा कॉपी है। हाँ हाँ, यानी के ये वीजा कॉपी को तो सऊदी से वहां से कपिल भेजा है सो, मुझे सऊदी को बुला ले रहे सो। कब? एक 15-20 दिन में जाना था सो मैं, उन्हें इमीडिएट आज तुम्हें आ जाना करो, मुझे लेटर भेज दिया वहां से। अब मैं क्या करना सो? क्या जी, शादी हुई सो 5 महीने के बाद दे सऊदी जाते सो कर बोले ना जी तुम्हें। तुम ना बोला जी मई, तो पढ़ को देखो तुम्हें उसके अंदर क्या है देखो। क्या पढ़ते सुखी क्या लिखते सुखी जी? बोलो तुम्हें बोले सो क्या आप कर रही सो क्या जी? देखो मस्तू वैसा ना वे, क्या मैं वैसा ना? देखो 5 महीने का तुमने टाइम दिया था मैं, ये मरद बने चोता वैसा काम होते के एक बात है, काम हो गया के बाद एक बात है। देखो मस्तू वैसा नहीं, तुमने 5 महीने का मैं टाइम दिया था, मगर कपिल आज भेज डाले 16 तारीख के दिन तुम्हें किधर फिर को तुम्हें बम्बई के पासपोर्ट में इसमें रहना एयरपोर्ट पर रहना बोला लिया। बोलते जी यहाँ का भी सोचो। देखो मैं किसके वास्ते जा रही हूँ बोलो जी? बोलो किसके वास्ते जा रही हूँ सुमी? मेरी एक बात सुनो जी। बोलो जी। दिल दिया नहीं जाता जी, दिल मांगा नहीं जाता जी। जी बोलो। ये जो भी है ना खुदा की कुदरत से गैब से देती और लेती जी। जी तुम्हें मेरा दिल क्या कर को भी समझे नहीं जाओ। तुम्हें गम की कर रही है मस्तु, सामने हो तुम। क्या खुशी मनाओ? बोलो जी तुम ना क्या बोला ले आराम से, ये शादियां करना भी बस से, ऐसा दो दो रोज को छोड़ल को तुम्हें जाना भी बस से, हमें यहाँ तड़पना तुम्हें वहाँ तड़पना, कहीं को तो भी रहेंगे जी, है क्या जी है वैसी दौलत है। देखो मस्तो मैं जिंदगी में पहली बार सऊदी को जाने का इरादा करया था, जाने का इरादा में क्या वास्ते करया था, शादी के बाद 5 महीने छोड़ ले को मैं सऊदी को जाना करया था। तुम्हें कहाँ जी छोड़ लग जा रही, पकड़ ले को जा रही ना जी? वैसा नहीं, सुनो मस्तू तुम देखो हम करो मेरे को मस्तू, तुम्हें तुम्हें देखो अंकिया पूछो पहले था, अंकिया पूछो अंकी पूछो पहले तुम्हें, देखो तुम्हें हम करो मेरे को, तुम्हें छोड़ लग जाना वाला है, हाथ में पकड़ लग जा रही सूटकेस से। देखो सूटकेस छोड़ दो तुम की पकड़ जा, तुम की मैं क्या बोला था 5 महीने के बाद जा दूंगा था, तुम ना जब मैं शादी कर लगाया तुम्हारे लक्षण से मुझे सऊदी से ऑर्डर आया, देखे कैसा लक्षण अल्लाह दिया, कैसा भेज रहा अल्लाह। मैं क्यों जी रहना सर? देखो अब मैं जाको कमाया तो किसके वास्ते कमातू? अयो कौन है जी, एक मैं तुम्हारे वास्ते कमातू? अयो मंजे वैसे कमी ना को जी तुम्हें हां छो तुम ना, मैं देख ले एक रहे तो वो मेरी दौलत जी। देखो वैसा नहीं मस्त, करोड़ों अरबों रुपए की दौलत तुम्हें जी मंजे। देखो जी मेरी दौलत तुम्हें, तुम्हारी दौलत मई, हम ना कहीं कुछ दौलत ना, होने वाली औलाद की दौलत कौन सी चीज है? पैसा। अयो समझे, देखो जी हमारी नीयत पाक है तो अल्लाह हमें यहाँ देता है जी, वहाँ जाना करके आप जरूरत नहीं। तो कोई काम करो सामने हो तुम्हें, बैठो तुम्हें पहले खाली सामने आओ, बाजू बैठो सुनो कहते सुनाते इस क्या कहते ये अच्छा। अब मंजे खाली फिरा फिरा को वॉच रिकॉर्ड डाल रही तुम्हें मस्तो, ये हाथ छोड़ो। देखो मैं तुम्हें क्या बोल रही हूँ, अभी खाली मंजे 2 ओवर का टाइम है, 2 ओवर में मैं किधर फिर कैसे निकल जाना, इसके वास्ते मेरी बात सुनो तुम्हें, तुम्हें क्या अभी समझो न को, मैं तुम्हें 8-8 दिन को सब खत डालते रहता हूँ और फोन करते रहता हूँ, क्या मैं जो कमाई कमाने जा रही हूँ सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में अच्छी करना, तुम ना सुला सुनने के अंदर में नला डालना, तुम ना माले माल का बनाना करो, मैं शरत कर ले को जा रही हूँ सुनने में नलाय का तो बोलो पूरा सुना रहा को घेर लेते जी। जी तुम्हें मेरे सामने अच्छे रहना जी, नको नको नहीं नहीं तुम्हें सुनने में नलाओ नको, मैं वादा करूँ क्या मेरी जोरू को मैं खुश नसीब बनाना, मैं गरीबी देखना चाहता नहीं, मैं तुम्हारे वास्ते मैं रात दिन वाका पढ़ को मेहनत पढ़ को जितना पैसा कमाता हूँ मैं तुम्हारा हवाले करता हूँ, एक काम करो जरा तुम्हारे मालान दे लो तीट के वास्ते पैसे कम पड़ी ले जी, तुम्हारे वास्ते जेवर क्या ये जान हाजिर है जी, ये तुम्हारे अपा कितने के लिए करते जी? ये सट्टा को 35,000 रुपए जी, 35,000। अब और एक स्पेयर है ना वो 25,000 का जी, अब उन्हें 1,20,000 रुपए होना का है, एक महीने को मुझे दरमा। तुम्हें क्या फिक्र करो ना को, हमारे अम्मा के बंगड़िया है, किरण है, वो खाना का पूरा सेट है, अभी वो बंगड़िया है, तुम ना क्या होना में लाग दी जी मस्तु, मुझे एक महीने को दरमा कहता पूछे तुम्हें, कहता जी 16,000 रुपए खाना दाल को, खाना नहीं सर का कहता 20,000 रुपए, परवाने ना जी वहाँ के 4,000 रुपए खाने का हिसाब होता है, खाना दाल को 16,000 रुपए, एयर कंडीशन की रूम में महीने में 4 दिन रजा मंजे, और मुझे ऊपरी कमी कम से कम एक महीने को 8,000 रुपए ऊपरी कमी हो जाए। क्या की जी तुम्हें वहाँ से 1,00,000 रुपए लाओ,
मंजे तुम्हारी दौलत तुम्हारे पैसे ने जी होना सो मंजे तुम्हारी खिदमत होना जी जी तुम्हारी खिदमत मंजे होना मेरी खिदमत तुम ना होना। अब दो आदमी की खिदमत करने वाले कौन है? अल्लाह करे सर का होता है जी, फिर भी सोचो। मैं खास कर जारी हूँ सो होने वाली औलाद को अच्छा पालना पढ़ाना वो सब चीज को दौलत की जरूरत नहीं है। अब क्या होना सो? देखो जी क्या थी भी कमाने की हुनर होना जरिया होना होता। तुम एक लहजा अंदर रहो, आओ अंदर। देखो वैसा ना मैं जो बात खाली मस्का लगाना एक मालूम है। देखो मुझे टाइम नहीं है यहाँ, यहाँ छोड़ो तुम्हें। देखो था छोड़ो, देखो अब मुझे टाइम नहीं है। अब मुझे कम से कम 1,10,000 रुपए में भरे आ दो, आजाद वीजा मुझे बन जाता है। तुम्हें जितना माल है उतना माल जो तुम्हें पतले पतले जो दो किरोना है ना तुम्हें डाल लो। मैं गया सो एक महीने को सब तुम ना कम से कम 50,000 रुपए हार देखो भेज तुम्हें समझे। साज करो मैं बोलो घर को जाको वो हमारा मान क्या जेवर क्या है कि पूरा मिला दे। तुम्हें ये बात तुम्हारे अम्मा को बोलो ना को। मैं ऐसा बोलती नहीं। ऐसा बोलती बोलो मैं वो हमारा अम्मा का जेवर मैं पहने सर का पेन लगा तुम ना लाख दे। अब तुम्हारा जेवर कहाँ रखी तुम्हें? धुला ने देख भी घर को बोल छू। नहीं जी तुम्हारा जेवर घर में रखी नहीं। अब पैसे कम पड़ते नहीं तुम्हारे अम्मा उनका जेवर उठा लगा लेती क्या? अभी वैसा करो एडजस्टमेंट होता है। क्या किया कर छू जाओ जी। अब तुम्हें क्या टाइम करती जाको? मैं सब सुबह जाको शाम तक आया छू। मैं सब बम्बई में रहना ना क्या करना सो? वैसा तो सुबह जा छू जी। जल्दी आती तुम्हें आप उनको बोला जो मैं जो तुम्हें अपा अपा की बाबा बाहर आप लाजा की बा। अब मैं सऊदी गुजारी हूँ पास सुबह ही ऐसा मस्त मुझे लाखों पूरी अमानत चीज दे डाली है। अच्छा बा। अब मैं बेस डाल को सऊदी चले आता हूँ तुझे एक जिम्मेदारी देखो जा रही हूँ पा। मैं क्या बाबा की तो जिम्मेदारी हमारे खानदान में पूरे के पूरे गरीबान 600 अल्लाह के मुझे हिदायत देखो है मैं सऊदी गुजाले को हूँ। अच्छा क्या तुझे महीने महीने को कितना पैसा होना मैं देखो भेज डालता हूँ मगर एक जिम्मेदारी मेरी क्या छोड़ को जा रही हो तो मेरी जोरू मस्तू को मैं तेरे हवाले कर रही हूँ। अच्छा उसका अच्छा बुरा तू संभाल लेना पा। बा बोला पा तू क्या मुझे बोलना क्या बा? वैसा नहीं पा एक बात बोलना पा। नवे बा बोला पा मेरी बेटी सका मैं देख लेती हूँ। तू जा तेरा धंधा देख क्या बा जब जब देख खत्ता डालता हो बोला पा जब जब फोन भी करता हो बा सुना पा खाली मैं जा रही हूँ तो देखो उन्हें कोने में रोले को बैठे आपा जौनों को जौनों करे मैं क्या करना बोलो आपा मैं नहीं बा सबको भी दरा धता है धता है क्या? अब मैं जा रही हूँ किसके वास्ते पा बोल सब हमारे वास्ते बा मेरे जोरू होने वाले बच्चा के वास्ते तेरे वास्ते हमारे भोनी के वास्ते मैं जिंदगी बन जा रही हूँ मुझे माँ बाप कौन है तुम्हारे सिवा। अयो जा बा 3 साल जा कागा तो जिंदगी भर बैठ को खे जा बा हो अपा जा बा। अब एक काम करा पा तू क्या बोल मस्तू तेरे घर के हवाले कर को जा रही हूँ मैं तो उसका अच्छा बुरा तू संभाल ले मैं महीने महीने को चेक 70 रुपए 90 रुपए देखो भेज दू। अच्छा बा उसकी छोटे मोटे गलतियाँ हुए तो उसे गलतियाँ को माफ कर रहे तेरे छोटी भान समझ को तो उसकी हिफाजत कर ले आपा वही सा छोड़ दे बा जाको आपा। अच्छा बा ले संभाल ले तू ये खुदा हाफिज। क्या मस्तो मस्तो क्या जलील क्या ये हालत है क्या ये सूरत आहा शादी हुई तो भी हुई बहुत अच्छी आबादी हुई ये क्या ये तेरी हालत है? क्या करता है उन अर्जेंट सऊदी का बुलावा आया उन्होंने सऊदी चले गए। सऊदी गए भाई जाते जाते ये क्या अब तुझे देखे तो कौन तू भी है ही नहीं गति बोल ले लावार सीधी है ना हमें देख को क्यों तसल्ली कर लेना सो बोल ले क्या की ना ये क्या ये? हमारी मस्तू किचेरी भान कर को मेरा दिल इतना तड़प रहा है देखेंगे। क्या तेरी नसीब की क्या तुम तो अंकुए की तेरे देशा को अल्लाह बचाना भाई बहुत बेजार होगा तुझे नहीं देखना था देखे देशा चले जाना था फिर भी दिल मान्या नहीं भान को भाई देख को बात करे नहीं तो वो एक रिश्ता क्या कर को मैं खड़िया हाथ पकड़ ले रहा है क्या हाल में काला है अल्लाह तेरे देशा को रहम करना मैं फिर मिलता हूँ। ये मस्तू क्या आपा क्या आपा इधर क्या आपा बुलाई सो कौन गे उन्हें उन्हों कितने रोज से चल रहा ये धंधा हमारे तायर है भाई को से तायर है भाई गे आज को देख ही नहीं सो मैं वो तायर है भाई कते तायर है भाई तुम्हें देखे नहीं कतो उन्हों ज्यादा आते नहीं जाते नहीं हवे गे कैसा भाई है या तो भी शादी को तभी आना ना गे मैं शादी में भी देखी नहीं वो भाई को अयो शादी को सो बैठे पा तुम्हें देखे नहीं सो
तुम्हें कैसा मालूम है? कब तुम्हें याद आ गया तो पूरे के पूरे निकल कर आ तो सुनो उन्हों मेरे स्वास्थ्य कर को आई नहीं कहाँ की जाते थे रास्ते में मैं दिसी अब भान दिस को भाई देखो देखें दे सजेंगा क्या बोलो। हाँ हाँ ऐसा चल रहा है क्या ये आजकल धंधा तुम्हारा? कहीं का धंधा पापा? खत लिख को भेज छू उसे क्या बोल रही सा पापा? जा जा को ऐसी को घर बसाए ऐसी ने मुंडा का डोला आन दे हाँ उसे तुझे है गे पूछा गे गे कब से चल रही है ये पापा? कब से चल रहा है ये धंधा तुम्हारा? पापा क्या करिए पापा? पापा हाँ 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 क्या अभी जानती नहीं उन्हें भई कहते तुझे तुझे पकड़ना की छुमे पापा 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 अल्लाह का वास्ता दे रहे हो तुम ना तुझे सुबह देख ले छु मैं पापा देखो बड़े इतने क्या बोली मालूम किसी को ये कंगली बताए तो हम ना तीन अंगलियां बताती हैं पा ना हाथ तो हम इल्जाम नहीं लगाना पा आप सबको भी दिखाती हूं तुझे मैं क्या की कर को समझी थी देखो पा मैं बहुत पाक बहुत नेक हां खत लिख को भेज छु अब जरा हां पहले वो दौलत मालूम करा छु हो मैं मेरे बारे में ना हक बोले बहुत पछताते तू चल के उधर तू चल तुझे बास्तान देख ले छु पहले मैं खत डाल का छु हो पापा तुम ना लायक नहीं आपा तुम्हें भी एक औरत होते हुए एक औरत के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाना तुम ना लायक नहीं आपा पापा जरा सोचो पापा हर बात करे सुने भी भाई के साथ बात करता है दुनिया में खड़ने को गए मेरे सामने दिसने को तू चल गए यहां से निकल गए यहां से निकल गए तुझे चूर ले छु आंखों हक की बात करने वाली कोई चीज की परवाह नहीं करती अपा ये यहाँ सवाल को जवाब कर ले को खुड़ी क्या तेरे झोटिया में राख दलाल छू पहले यहाँ से तेरी सूरत कटागी अच्छा कटागी तेरी सूरत अच्छा मैं उसे उसे पहले उसे मालूम करा छू मैं इतने रोज से मैं भी क्या करना सो को सोचती थी अब मुझे ऐसा मौका मिला है हाँ सांप मरना नहीं लकड़ी टूटना नहीं अब दाल छू मेरे भाई कुडो यता चौड़ा दाल छू लिखो उन्हें सुनते मानीचे वहाँ से चुने लंबा दाल को भेजना हाँ हाँ यता करी नहीं तो तालाब का पानी तालाब को जाता है मड़ी का पानी मड़ी को जाता है बीच में मजे क्या आता है हाँ ये आइडिया मजे आया ना बहुत भारी आइडिया ये किसे मालूम होने देना नहीं लीक आउट होने देना नहीं हाँ अब डाल छू उसे चौड़ा खत अब इसे ये झूठ को इसे सच बना को अब मेरा भई लगाता सो सभी पूरे तौर से मैं दबा लेना इसे तीन अंकिया का छुपा देखो बाहर ढकलना वाह बहुत भारी आइडिया ये अबा अबा मेरी समझ में आगा अब तू मंजे बोल तेरे अंख्या से तू सही देखी क्या बा बोला तू ऐसा बोलता है कर को उन्हें वैसा झूठे बता बोल छू कर को वो समझ जा को मैं क्या बा देख बा क्या सीट बना को उसके बात सभी रिकॉर्डिंग करको रखी हूँ मैं करको रखे ओ बा मैं सुन तो काहे बने अब देख बा है बैठिए देख नहीं इसकी सूरत दिखाने चुके रह जा उसकी सूरत ही दिखता नहीं मैं इसकी सूरत देखना भी अकीचे क्या बा हमारे नाका कटा ली ना भाई ने अपा मंजे सुन को पेट में अंगार पड़ गया पा ना पैसे उठाया ना खाना ना पानी कपड़े सब छोड़वा लोग मैं सीधा आ पाया तू पूरा सुने आता तब भी क्या बोलता की बा रुपये में मैं चार आने लिखी सो बारह आने बचत करको रखी हूँ क्या बोलो पापा मैं क्या बोलूं अब अब क्या बोलता है कि क्या करता है कि बा सब तुझे सुनाने का सुने मैं जाने से वहां नहीं जाना था पापा जाने से मैं नहीं जाना था आराम से रह जाना था मैं किसके वास्ते गया पापा तू हमारे वास्ते ना गया पापा एक लाजा खड़ा पापा ए मस्तो मस्तो क्या जी यही सामने आ गया क्या जी वो क्या सुन रही हूँ मैं पापा के मुझसे तुम्हें जो भी सुन रही पूरा झूठ जी वो आपा बोले झूठे चीजे क्या बा मैं क्या सीट देख बा क्या सीट सुन बा तू नहीं आपा तेरी बात रंदे आपा आपा बोले झूठ क्या गे जी देखो जी मेरी बात सुनो यही तेरी बात क्या सुनना सो आपा क्या सीट रखे सबूत दे देखो जी क्या ये दुनिया को झूठ भी सच दिखता है सच भी झूठ दिखता है जी मगर सच्चा दिल जो रहता है वो कभी झूठ को सर नहीं देता मेरी माँ मेरी भान को तो बदनाम करी बा मारने का भी नको तोड़ने का भी नको क्या इसका क्या है कि
बंद को इसे बाहर हकालने की कोशिश कर बा, तू चुपके कहीं को बाहर जा। काम कर आपा, आपा तू एक काम कर आपा, बोल बा इसे तलाक दिया दो बा, मैं दे डाल गई तेरे घर में जाग तो बोला तलाक से दे डालिया, मैं चाहे मैं घर के अंदर लेता नहीं, तुझे मुझे क्या कभी कलेक्शन नहीं है, तेरा मार क्या ले ले जागे। क्या अच्छी बात बोले जी, ना तुम्हारे आंखें से देखे ना तुम्हारे कानों से सुने, बोल खाली उड़ती उड़ती बात सुनको दिल को यकीन मान लेना, तुम्हें दुनिया में जिंदगी कैसा जी करेंगे तुम्हें। मेरी भांजो बोली सही बोली, उसके पास क्या सीट सबूत के साथ है, खत में पूरा पढ़िया जी, आज मंजे बदनाम कर रही जी। ए बच्चे तल्ला दे लगा, तुम्हारे अम्मा भाना को बदनाम करने कोई ना कोई पैदा होता है जी। ए होंदे जागे, होंदे जा, उठा ले बोले तेरा पूरा पैसा लपट तेरा उठा। बंदे से बंदा भला क्या दे सकता है, बंदे को बंदा भला क्या बिगाड़ सकता है, जो भी देता है जो भी करता है जो भी बिगाड़ता है जो भी सवारता है ऊपर वाला करता है जी, तुम्हारे मेरे हाथ में क्या है। तू इतने बातें सीखे ना, कहाँ गे सीखी थी ये बातें सब। मुंह मुंह लग रहे तो मुक्की कती, मुंह खोले तो मुंह जोरी कती, दुनिया में औरतें बैठी तो भी गलती, उठी तो गलती, खड़ी तो गलती, बात करी तो गलती, चली तो गलती, गलतियां को पकड़ने वाले थे लेकिन औरत को समझने वाले नहीं, उसके आसच आज अल्लाह ताला हर तरफ से खार उतार रहा है। यही तो ज्यादा बात करने का है ना मैं। आपा क्या बा, उसे कपड़े उठा दे भेजा पाओ से वताज बा करना सोच उठा को देख भेज उसे पहले, मैं पूरा बंद को रखी हूं देख बा वहां को उठा दे। ए अलग है तेरी रिपोर्ट ली उठा लग निकल के यहां से, 100 रुपए देख भेजा घूम जाते ने देख बेटा कासा से 100 रुपए दिया ली बा ले जाओ से, ये पैसे की चीज देनो तू उसे। नहीं कई को दिया छु, इन्हें हमारे नाका कटाईस ना होको, हमारी इज्जत निकालिस ना होको, इसे अभी देने बैठे क्या बा तू। ए मस्तो तेरे घर में जाके बोला मैं तलाक दे आलू जा। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी जी। क्या गम करने को, चले जाकर तो चले जाना, खंडा नहीं यहाँ तो। अच्छा छोड़ा बात खोलेंगे सोया सूटकेस से। बा क्या बा, ये नेकलेस कितना बा, ये 70,000 रुपया बा। हो वो बा अलिया बा तेरे वास्ते ले कोई सा बा, रख बा रख बा अलिया, तू रख ले बा बाजू रख ले। गए गए खलील भाई, खलील भाई कौन बा, वो देख जरा जा को तुम्हें कह दे खलील भाई कौन मालूम नहीं ना बा, देख तू अपन जा देख जा। जय खलील भाई का घर ये कह जे, हां जय तुम्हारे भाई का नाम मस्तुमा का जे। ओ मस्तुमा जे उन्हें बोर्डिंग कूद को मर गई जे। कौन सी बोर्डिंग में, वो जो बड़ी चौड़ी बोड़ी है नी हाँ पाची की। अबा अबा क्या बात है अबा, तो अयो छोड़ बा दलिंद्रा की दूर हुई, खामोश आ जा जाओ भाई जा को देखभाल करो। हाँ तुम जाओ, मैं जाती जाओ तुम्हें जाओ। अबा क्यों अबा कर रहा हूँ आज को हमारी फीलिंग क्या बा, ये भी दूर होगी। अब देख बा तुझे दूसरी जगह छोकरी देखो ऐसी जगह कर छू क्या, बोलो चार चार अंखियां देखना बा, वैसी जगह तू ये दोस्ती कर छू। आबा तू रति खा ले आबा। अबा उनके घर वाला पूछे क्या बोलना आपा, जवाब मैं बोल ले छू आ रे।